हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मंडे 15 मार्च और गौरव की आज छुट्टी है ऑफिस की। वैसे तो संडे को होती है बट आज है और आज गौरव और मैं टाइम स्पेंड करने वाले हैं साथ में। हेलो। और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और हम कहीं जा रहे हैं और हम जा रहे हैं लोनावला। मैं फर्स्ट टाइम जाऊंगी बिकॉज मैं पहले कभी नहीं गई हूँ। मैं मुंबई की तरफ गई हूँ मेन, बट बहुत ज्यादा नहीं, एक या दो बार। सो आज हम अपना स्पेशल टाइम साथ में स्पेंड करने वाले हैं, बहुत टाइम बाद वो भी। सालों बाद आ रहा हूँ, कैमल्स हैं वहाँ पे, राइड है, अभी करेंगे। और हवा भी अच्छी चल रही है। कितना प्यारा बनाया ना सिटिंग वुडन का, और ज्यादा लुक भी नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वरना बाकी टाइम बहुत रश रहता है सैटरडे के टाइम। हल्की धूप है बट चलता है इतना तो। अब घूमना है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। हवा देखो थोड़ी ठंडा की हवा। कैसा दिख रहा है हमको कोहरा नीचे। और अभी हम पहुंच गए हैं लोनावला एंड अभी हमें टाइगर पॉइंट पे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धूप है बट चलेगा क्योंकि अब घूमना है तो थोड़ा तो छीलना भी पड़ेगा चीज़ों को। और अभी हम ढाबा स्टाइल है वहाँ पे कुछ खाएंगे। बेस्ट चीज़ मुझे ये लग रही है कि लास्ट ईयर हम जब जयपुर गए थे फरवरी में, तब मैंने कैमल राइड की थी, और आज मुझे लग रहा है अगेन मैं करने वाली हूँ। कि मिट्टी भी अलग है कुछ कलर। मैं एटीवी की भी राइड लूंगी और उसके बाद कैमल की भी। और आप लोग देखो वो कैमल कितना क्यूट और किस तरीके से बैठा हुआ है, शायद उसको भी नींद भी आई हुई है अभी। अब ये नींद नहीं करा और ये दोनों को बड़ी बेचैनी है। तो सारे हेयर्स है ना उनकी बॉडी में। yes. मैं ऐसे वाले कैमल फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ, इतने ज्यादा मतलब हेयर्स है। How it is? Perfect, my first time in that.
थैंक यू आंटी। सफर यहीं तक था टाइगर पॉइंट में। हमने मैगी खाई, गोला खाया और एटीवी चलाया। कैमल वाला एक्चुअली चला गया, उनको पानी पिलाने, और वो 4 बजे आएगा तो हम 4 बजे तक वेट नहीं कर सकते बिकॉज हमें भी टाइम से घर जाना है। सो अभी हम जा रहे हैं किस तरफ को, नीचे ही उतरेंगे, नीचे वापस जा रहे हैं और वहां पे कुछ देखते हैं टेस्टी चीजें खाने का। और हम अब जा रहे हैं, मजा आ रहा है। मैं और कितना बोलती हूँ, मुझे भी लगता है, मेरे को रोज लगता है मैं और अरे यार, मतलब ऐसा होता है कि और क्या बोलूं। अब आते समय तो रोड ऊंची थी, अब ढलान है पूरी जाते समय, और थोड़ी सी धूप भी है। अगेन मैंने और बोल दिया, कोई बात नहीं, और नीचे जाके भी करीम्स करके है, करीम्स दिल्ली का, वहां पे कुछ टेस्ट करते हैं। सो वी गोना ईट देयर। अच्छा, यहाँ पे घूमने के लिए फैमिलीज के साथ भी, फ्रेंड्स, पहाड़ देखना हो किसी को, हमने तो बहुत देखे हैं, बट स्टिल लोनावला का पहाड़ देखना हो तो उधर आ सकते हैं घूमने के लिए। मतलब अच्छा है, पीसफुल है, ये सबसे अच्छी चीज लगी मुझे कि बहुत पीसफुल है, बिकॉज लोग अपने वीकेंड के टाइम पे यहाँ आते हैं तो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो थोड़ा सा चाहिए होता है कि सरदर्द कम हो, दूसरों की आवाज कम सुनने को मिले, हम आपस में बात करें तो वैसा है, दूर से भी दूर दूर तक भी लोगों की आवाज नहीं आती है। हम मंडे आए तो भीड़ भी कम थी, वरना तो भाई साहब सैटरडे संडे और फ्राइडे भी केयरफुल आराम से आना, मतलब प्लान करके ही आना, वरना मत आना, बिकॉज रास्ते में भी हमें भी हाईवे पे थोड़ा ट्रैफिक मिला था, बट क्लियर हो गया था थोड़ी देर में। ऐसा लग रहा है गौरव तुम्हें? बहुत अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे कलेक्शन बहुत मस्त है हर चीज का, मतलब केसरी और ये सब। और पता है जो हमारे पास वो चाय वाले है ना कप, सेम मैंने यहाँ पे देखे अभी, बहुत सारे कलरफुल कलर्स बहुत प्यारे प्यारे। और मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा, अगर मैं लेके जाऊँ तो इनको कलरफुल वाले कोई अच्छे से घर पे लेके जाऊँ, बट अभी देखना पड़ेगा कि हैंग करने के लिए कहाँ पे करूँ। छोटे ड्रॉअर या मसाला वगैरह रखने के लिए कॉफी। लुक एट दिस, कितना प्यारा लिखा है इसमें, क्यूटली कॉफी इसमें, टी इसमें। ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट अभी मैं और देखना चाहती हूँ, उसके बाद में फाइनल करूंगी। मन कर रहा है सब ले लेना एक्चुअली, और कितना क्यूट लग रहा है, देखो कलर्स बहुत प्यारे हैं, एलिफेंट, इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। एंड यहाँ पे भी है, डक है, लुक एट दिस आउल, हर तरफ ना चीजें टकरा रही, बिकॉज इतना सारा स्टॉक है यहाँ पे, कॉफी मग, सूप वाले मग हैं, कप्स हैं, अमेजिंग कलर्स एंड वैरायटी इतनी सारी है, माय गॉड। और दिया कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फाइनली हमने ये 3 सेलेक्ट किए, कढ़ाई ऐसी क्या है इधर छोटी, तो सब्जी वब्जी बनाने के लग रही है, ये बड़ी है।
कहाँ बनता है सारा ये? यूपी में बनता है सर। यूपी में मतलब किस तरफ से? ये खुर्जा विलेज। खुर्जा, तो वहाँ से यहाँ आता है। तो आप कैसे लेके आते हो इसे? ट्रक से ले जाते हैं। ट्रक से लेके आते हैं। तो सारा वहाँ पे मतलब कारीगर बनाते रहते हैं? कम से कम एक बार एक फैक्ट्री के अंदर 3,000-4,000 बर्गर काम करते हैं। तो मेक इन इंडिया वाला जो मेरे हिसाब से चल रहा है पूरा, वो 3,000 फैक्ट्री है उधर। बाप रे। तो मिट्टी के काम का जो मेन जो बीच में चल रहा था ना, मेक इन इंडिया काम जो है ना, जो काम जो उठता है ये खुर्जे से ही उठता है। ओके। पूरा जो एक्सपोर्ट विदेश विदेश सब एक्सपोर्ट खुर्जे से। तो भैया इस जगह का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है? ये नौनावाला में बुशी डैम। बुशी डैम के सामने फेमस है मार्केट बम्बई पूना। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश कुमार है मैडम। ओके। इधर आइएगा भैया से पक्का लीजिएगा, ये एक से कलेक्शन है एक्चुअली। सीरियसली बहुत माल ऐसा है जो वैरायटी नहीं लग रही है, जो बाहर पड़ी है देखने में आती थक जा रहा है ऐसा है। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है भैया। अभी 2 घंटा लग जाएंगे पूरी देखने में दुकान। अब सारे मुंबई नवी मुंबई वाले लोग यहीं आएंगे। मैडम फोनों पे माल जाता है इधर से, बताओ। कस्टमर फोन करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, भैया हमारे को गे निकाल दो, गे निकाल दो, गे निकाल दो, बहुत परेशान हो जाते हैं हम भी। उनका माल निकालते फिर हम बम्बई पहुँचाते हैं। अभी हम एकदम सुकून से रहेंगे तभी हमसे चीजें उठानी है। हाँ सेरेमिक मिट्टी ना इतना सही था, मतलब इतनी सारी वैरायटीज थी, मजा आ गया। और हमने सोच रखा जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम और चीजें प्लान करके आएंगे और जो हमें जरूरत की चीजें हम वो परचेस करेंगे यहाँ से, क्योंकि सेरेमिक और मिट्टी का मतलब अल्टीमेट कलेक्शन है। अगर आप पहुंचोगे शॉप में तो यू विल गेट कंफ्यूज कि ये भी लेना है वो भी लेना है, क्योंकि बहुत प्यारा है और बहुत सुंदर चीजें थी और ड्यूरेबल बहुत है ये चीजें, बहुत ज्यादा। और क्रिएटिविटी कितनी थी उनमें, कलर्स, हाँ एग्जैक्टली, एनिमल्स के फेसेस, वाओ अमेजिंग, जैसे लोनावला अमेजिंग है वैसे यहाँ की चीजें। जहाँ से बन के आते हैं, ये जगह है खुर्जा यूपी में, तो वहाँ पे काफी सारी फैक्ट्री सेटअप है। और बीच में भी जब मेक इन इंडिया का काफी चीज चल रही थी तो मोदी जी ने भी इसका प्रमोशन काफी किया था अलग अलग जगह में, तो अलग अलग जगह में फेयर्स भी चल रहे थे, मोदी जी विजिट कर रहे थे वहाँ पे। और इसमें मेनली एम ये है कि जो ये स्टील और ये सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं, इसके बजाय पुराने ज़माने की तरह हम लोग सब मिट्टी की जो चीज़ें आती हैं, कप्स हैं, कुल्लड़ है या हांडी है, प्लेट्स हैं, वो सब रिप्लेस कर दें वापस इन सब चीज़ों को। और एक्चुअली बताऊँगा फ्रेंकली कि मुझे इन सब चीज़ों में ये हांडी और ये कप जो कुल्लड़ होते हैं इन सब में ज़्यादा मज़ा आता है बजाय कि जो आजकल चल रहे हैं कप्स एंड ऑल या फिर प्लेट्स। सो नेक्स्ट टाइम डन है कि मैं वो चाय वाले लेके जाने वाली हूँ कुल्हड़, मजा आएगा और वो रीयूज भी हो सकते हैं। क्या है? ओपन एंट्री है, बिल में पूरा रीडिंग होता है। अच्छा लेकिन अंदर चालू सब है ना? जी चालू है, बाकी तो उसमें करीम चालू है। ठीक है, नाम क्यों लिखा है? लिखा था, कोई नहीं। अदर ऑप्शन ढाबा रेस्टोरेंट इज ऑल्सो नाइस आई थिंक। इधर ही है वो? हाँ जी। सो देयर इज लाइक 100 rupees पर पर्सन चार्ज, एंट्री चार्ज फॉर दिस प्लेस, सो दैट विल बी रिडीम व्हाइल वी ईट, है ना? तो वो बिल में अपना डिडक्ट कर लीजिए। इसमें मेरे को ऊपर चढ़ के बैठना पड़ेगा।
वाओ चाइनीज पास्ता बन गया प्लीज ड्रिंक ओके थैंक यू द लुक ऑफ दिस मेन्यू इज नाइस यू कैन यूज इट लाइक दिस आल्सो हाँ ये हमारे जब हम घर जाते थे ना समर वेकेशन में तो ऐसा ही मतलब बना के रखते थे ताकि हम पंखा बना के लाइट जाने पे से हवा लगाए और ये मस्त है यहाँ पे भी जाएगी क्या लाइट नहीं 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 जाने ग्लास मेरे लिए बनाया घूट मार के ऊपर का गायब कर दिया और जानबूझ के दूसरा वाला पकड़ लिया उसके बाद कम करा दिया सर गाइस हम लोग घर पहुंच गए और हम लोग बहुत ज्यादा थक गए बिना चीयर्स के गौरव ने पूरा पी लिया शरबत पहले और आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल